हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओरियन प्रो की। बेसिकली ओरियन प्रो का यहां पे आप देख सकते हैं 13 जून 2024 का अपडेट है और यहां पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके स्टॉक प्राइस पे भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 4% से ज्यादा, 4.5% के करीब करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल चुका है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड के। तो ओरियन प्रो की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या अपडेट है। सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ ग्रांट फाइनल ऑथराइजेशन ऑफ ऑपरेट एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बाय रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के द्वारा यहाँ पे एक तरह से ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे एक तरह से ऑथराइजेशन मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आया है और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली रेगुलेटरी है जो लाइसेंस देते हुए नजर आई है। फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2027 फॉर द पेमेंट गेटवे ब्रांड और पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो इनका एक तरह से ऑनलाइन पेमेंट के लिए इनको एक तरह से परमिशन मिलता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है और बड़ी खबर है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनके पास एक से बड़ा बिजनेस आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे यहाँ पे ओरो प्रो बेसिकली इनका पेमेंट गेटवे है और यहाँ पे ओरियन प्रो पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसीव आरबीआई फाइनल ऑथराइजेशन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, सारे चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ओरो पे करके आप देख सकते हैं पेमेंट ब्रांड है इनका और जहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं कहीं पे भी, और जो जैसे कि आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के चीज़ें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये से काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है और यहाँ पे जो भी अगर हम देखें ऑनलाइन पेमेंट होता है जो ई कॉमर्स पे खास करके यूज होता है वो यहाँ पे इस कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके पास एक तरह से अगर हम अभी के टाइम पे अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें टेक इनोवेशन ग्रुप से रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। अभी के टाइम पे इनके खुद का ओरो प्रो करके इनका ब्रांड है एक तरह से जो चलता है इनके जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, यहाँ पे उनकी अप्रूवल मिलती हुई नजर आई है। यहाँ पे स्मार्ट लेंडर एसेट्स ओवर 1 ट्रिलियन USD सपोर्टेड बाय स्मार्ट लेंडर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट्स की एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम और बाकी सारी चीज़ें पे भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे जाइएगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क यहाँ पे इस कंपनी को सर्टिफाइड एक तरह से मिला हुआ है, यहाँ पे एक तरह से सर्टिफिकेशन मिल रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पे ओरियन प्रो पेमेंट फ्रेमवर्क भी आपको देखने को, फिनटेक की अगर हम बात करें टेक इनोवेशन ग्रुप स्मार्ट सिटी स्मार्ट मोबिलिटी प्रोफेशनल सर्विसेज पेमेंट सर्विसेज ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है कंपनी। एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पे 5% की रैली, 6 महीने में 36% और 1 साल में अगर आप देखें तो 192% का यहाँ पे रिटर्न मिलता हुआ नजर आता है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड को। यहाँ पे 5 ईयर्स की अगर हम बात करें ओरियन प्रो को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2040% का रिटर्न मिला है। बहुत तगड़ा रिटर्न अगर हम देखें 2023 से अब तक मिल चुका है एक तरह से 5 ईयर्स में। कोविड टाइम से अगर आप देखोगे तो अभी तक यहाँ पे बहुत तगड़ा रिटर्न दे चुकी है कंपनी अपने शेयर होल्डर को। अब तक अगर हम बात करें तो 3,322% का रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पे पूरा के पूरा अगर आप देखो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है उसके बाद से। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस बेसिकली अगर हम देखें इस कंपनी को तो ये कंपनी किस प्रकार से और किस लेवल पे काम करती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी की जो मार्केट कैप है यहाँ पे फिलहाल जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे 7,321 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है कंपनी का। 51 की पी पे ट्रेड कर रही है। इन कंपनी का ROCE और ROE दोनों चीज़ें काफ़ी शानदार है। 54.80 रुपया का EPS जनरेट करती है कंपनी। प्रमोटर 26.9% की होल्डिंग रखे हुए हैं और डेप्ट इक्विटी 0.09 का है। इनके पास रिजर्व 950 करोड़ है और डेप्ट मात्र 81 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। प्लेजिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, नज़र डालिएगा इस पर भी, क्योंकि 21.2% यहाँ पे इनके पास प्लेस्ड भी शेयर है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें इस कंपनी की बेसिकली जो बेसिकली एक कंपनी 1997 में इस्टेब्लिश हुई है ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड वर्क इन प्रोवाइडिंग बिजनेस सॉल्यूशन इन फील्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस ACE प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है।
तो ये सब सारी चीज़ उससे रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा अगर अभी और बैंकिंग फिनटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वो सब सारी चीज़ें आई कैश प्रो प्लस लेंडिंग प्लेटफॉर्म स्मार्ट लेंडर एसी प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी की जो एक तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो टायर 3 डेटा सेंटर्स हैं इस कंपनी के पास जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इंडिया से बेसिकली 60% के रेवेन्यू करती है, यूएस से 5% और एक तरह से अगर हम देखें एपैक से यहाँ पे 29%, ईएमईए से 5% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1% आपको यहाँ पे 14 कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस ऑलमोस्ट चलता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे एक तो बड़ी अपडेट जो मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक तरह से इनको परमिशन मिल चुका है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए परमिशन मिल चुका है। और यहाँ पे अभी के टाइम पे 668 रुपया इसका ग्राम नंबर प्राइस है। और यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर देखेंगे तो 5 पे, और इनके अंदर अगर आप देखें तो FIS एंड DIS की भी हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टर की तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने में अप्रैल मंथ में बड़ी हिस्सेदारी FIS ने खरीदती हुई नजर आई है। आप देख सकते हैं 6.27% से बढ़ा के 12.23% कर चुकी है। DIS भी यहाँ पे 1.75% से बढ़ा के 0.73 से बढ़ा के 1.75% कर चुकी है। तो यहाँ पे भी DIS की बड़ी खरीदारी चल रही है, FIS की खरीदारी चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक तरह से गुड न्यूज़ है अभी के टाइम पे, अभी ये लोग FIS एंड DIS और भी खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी खबर है जिसे बैंक को एक तरह से बैंक नहीं ओरिनो ओरियन प्रो सॉल्यूशंस को एक तरह से बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। कंपनी को एक तरह से प्रॉफिट में बड़ा गेन देखने को मिलेगा और यहाँ पे रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एक तरह से देखिएगा तो यहाँ पे रिजर्व भी इंक्रीज किया, डेप्ट कुछ कम करती हुई नजर आई है। इसके साथ साथ कंपनी की जो टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है बहुत तगड़ा इंक्रीज किया, 25 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है कंपनी का। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर में 39 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट करती हुई नजर आई है, जो पिछले साल 27 करोड़ का की थी, और 21% की मार्जिन कंसिस्टेंट रखी हुई है अभी भी। यहाँ पे 191 करोड़ से सेल्स है बढ़ के 247 करोड़ हुआ, लेकिन आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को जो RBI की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए परमिशन जो मिल गया है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल पाए। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, यहाँ पे आप अपने एनालिसिस या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।